23 जनवरी 1897 आज के दिन विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ था। दोस्तों, हम सभी को नेताजी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ नेताजी के बारे में वासुदेव देवी की नजर से कुछ अनकही बातों को शेयर करूंगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की माँ प्रभावती वासु बासुंदी देवी से कहा करती थी, आप सुभाष की असली माँ हैं, मैं केवल एक दाई हूँ। बासुंदी देवी प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता देशबंधु चित्तरंजन दास की विधवा स्त्री। 1918 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में ओटिन कांड के बाद एक रात चित्तरंजन के घर पर छात्रों का एक समूह उनसे मिलने आए। उस समय वो लोकप्रिय वकील ब्रिटिश कला एन के हाथों से बंगाल के राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की रक्षा कर रहे थे। जब ये दंपति नैसेहार में बैठे थे, तब नौकर ने उन्हें एक आगंतुक की पर्ची ला कर दिया। देशबंधु ने देखकर कहा, उन्हें ले आओ। वासुदेव देवी हैरान हो बोली, आप उन्हें भोजन कक्ष में आने के लिए नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, क्यों नहीं? देशबंधु जानना चाहते थे। ठीक तभी छात्र दल ने प्रवेश किया और सुभाष उनमें से एक थे। उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था और कलकत्ता विश्वविद्यालय से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। कथित तौर पर सुभाष युवा ब्रिटिश प्रोफेसर एडवर्ड ऑफ ओटिन के छात्र हमले के नेता थे, जिनके अभिमानी व्यवहार ने छात्र को घायल कर दिया था। देवी वासंती ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस को देखा, वो तब 19 साल के थे। कुछ साल बाद 1921 में सुभाष की भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा के कारण भारत में हलचल मच गई। उन्होंने इंग्लैंड से अपने देश बंधु को पहले ही बता दिया था और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। सुभाष ने लिखा था, आप बंगाल में राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम की प्रचारक है, इसलिए आज मैं मेरे अंदर जितनी भी थोड़ी शिक्षा प्रतिभा शक्ति और उत्साह है उनके साथ आपके पास आया हूँ। कलकत्ता पहुंचकर वो देशबंधु से मिलने आए, लेकिन देशबंधु तब कलकत्ता में नहीं थे। वासुदेव देवी को जब मेहमान के बारे में बताया गया कि सुभाष वासु आए हैं, उन्होंने कहा, वो सुभाष वासु जिन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उस दिन काफी देर तक बात की, वो एक विशेष रिश्ते की शुरुआत थी। उस वक्त से सुभाष वासुदेव देवी को माँ कहने लगे। जब भी गुरु और शिष्य के बीच कोई मतभेद होता, वासुदेव देवी मध्यस्थता करती। प्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय को लिखे एक पत्र में सुभाष ने लिखा था, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम चित्तरंजन को आंख बंद करके अनुसरण करते हैं। मैं कम से कम अपने आप से कह सकता हूँ कि मैंने अनगिनत सवालों पर उनसे बहस की है। देशबंधु 1924 में कलकत्ता के पहले निर्वाचित महापौर थे और वे सुभाष को कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चाहते थे। सुभाष ने तुरंत प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने गुरु से कहा कि उन्होंने CMC के मुख्य कार्यकारी बनने के लिए ICS को नहीं छोड़ा है। हताश देशबंधु ने अपनी पत्नी की शरण ली। देखो, अगर तुम समझा सकती हो। एक गरम मुद्रा के बाद वासुदेव देवी उन्हें पद स्वीकार करने के लिए राजी कर लेते हैं। उन्होंने सुभाष से कहा कि नौकरी के स्रोत से प्राप्त वेतन को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुभाष उसे वो पैसा दे सकता है। अच्छे कर्मों के लिए हमेशा धन की आवश्यकता होती है। जब देशबंधु ने फैसला किया कि उनके परिवार की बेटियों असहयोग आंदोलन और अदालत की गिरफ्तारी में भाग लेगी, तो सुभाष ने आपत्ति जताई। उन्होंने सोचा कि यदि केवल सभी पुरुषों को बंदी बना लिया जाए तो क्या लड़कियां आगे आएगी और उन्हें पहले भेजना अनुचित होगा। लेकिन देशबंधु भी जिद्दी थे। वासुदेव देवी ने फिर से सुभाष को अपना मत बदलने के लिए मना लिया था। उन्होंने सुभाष से उन्हें सत्याग्रह के स्थान पर ले जाने का अनुरोध भी किया। वासुदेव देवी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना ने तुरंत कलकत्ता और पूरे बंगाल में कहरम मचा दिया। सरकार ने महसूस किया कि एक घातक गलती की गई थी। अचानक उन्हें आधी रात में रिहा कर दिया गया। देशबंधु वासुदेव देवी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों के मन में पैदा हुए भयानक गुस्से को इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। अपनी पत्नी को अचानक घर लौटते देख वो बहुत निराश हो गए। वासुदेव देवी ने अपने पति से कहा, पुलिस मुझे जेल में नहीं रखेगी और ना ही आप मुझे घर पर रखना चाहते हैं।
तो मैं कहाँ जाऊँ। जब पति पत्नी बहस कर रहे थे तब सुभाष वहाँ पहुंचे। वासुदेवी देवी को वापस आते देख वो रो पड़े। वासुदेवी देवी ने अपना मन तर्क से हटा दिया और सुभाष को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, वो ठीक है। नेताजी बहुत भावुक व्यक्ति थे, आसानी से टूट जाते थे। देशबंधु उन्हें क्राइंग कैप्टन कहा करते थे। देशबंधु ने कभी भी सुभाष के रोने को लेकर मजाक बनाना बंद नहीं किया। सुभाष निजी मामलों को लेकर वसंत देवी से खुलकर बात करते थे। वो सुभाष से पूछा करती थी, तुम शादी करने के बारे में क्या सोचते हो। भारत में एक अव्यक्त विचार था कि सुभाष ने शादी नहीं करने का वादा किया था जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हो जाता। लेकिन इस सवाल के जवाब में सुभाष ने कहा, मैं निश्चित रूप से शादी करूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। सुभाष से रिश्ते की उम्मीद में कई परिवार वासंती देवी से संपर्क करते थे। एक दिलचस्प घटना तब घटी जब एक लड़की के पिता एक बार कांग्रेस के तिलक कोष में 1,00,000 रुपए दान करना चाहते थे। देशबंधु इस प्रस्ताव को पाने के बाद सुभाष का मजाक बनाने के लिए खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत सुभाष को घर पर बुलाया। उन्होंने सुभाष को कहा, एक महत्वपूर्ण खबर है। अनुदान की खबर मिलते ही सुभाष आ गए और बहुत उत्साहित हुए। देशबंधु ने तब कहा, लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या? हाँ, तुम्हें उस सज्जन की बेटी से शादी करनी होगी। सुभाष इस बात को सुनकर गुस्सा हो गए। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो रात के खाने पर बैठे थे तब उन्हें चित्तरंजन के घर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुए तब चित्तरंजन वासुदेवी देवी को रात का खाना बनाने के लिए कह देते हैं। वासुदेवी देवी के लिए सुभाष के लिए खाना पकाना कोई नई बात नहीं थी। देशबंधु की मृत्यु के बाद भी सुभाष उनके घर नियमित रूप से आते थे। ज्यादातर समय वो बहुत देर से जाते थे। बरामदे में बैठकर दोनों घंटों तक बातें करते। सुभाष के जाने से पहले वासुदेवी देवी उनको रात का खाना खाकर ही भेजती थी। बंगाली उबले हुए आलू चावल और साथ में सब्जी सुभाष का पसंदीदा भोजन था। वासुदेवी देवी ने आखिरी बार सुभाष को जनवरी 1941 में 36/2 एल्गिन रोड में पारिवारिक भवन से विदेश भागने से ठीक पहले देखा था। वासंती देवी को याद करते हुए सुभाष ने प्यासी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और कहा, याद रखना, मुझे एक दिन जल्दी आपके हाथ के बने हुए उबले हुए आलू चावल और सब्जी खिलानी पड़ेगी। लेकिन आज भी वासंती देवी वो खिला नहीं पाई। जब दार्जिलिंग में देशबंधु की मृत्यु हुई तब सुभाष को वर्मा सरकार ने कैद कर लिया था। कलकत्ता में देशबंधु के अंतिम संस्कार में गांधी के नेतृत्व में एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी। तब सुभाष ने वासुदेवी देवी को लिखा था, वो जो मेरे जिंदगी की लक्ष्य में जो एक साथ है, मेरा दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक है, वो अब नहीं रहे। आज मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। अब सब आप ही अकेले इस असहाय आदमी की शरण है। पत्र के निचले भाग पर हस्ताक्षर किया हुआ था, आपका पूरी तरह से बेकार लेकिन प्यारा बेटा सुभाष। ये कहा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस अपनी माँ की तुलना में वासंती देवी के ज्यादा करीब थे। उस लिहाज से प्रभावती वासु की कही हुई बात सही है। दास दंपति उनके लिए दूसरे अभिभावक की तरह थे, जिनके साथ सुभाष का बहुत करीबी और सार्थक रिश्ता था जो उनके अपने माता पिता के साथ नहीं था। सुभाष शुरू में ही देशबंधु के गुजरने के बाद शोक में तो थे, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि देशबंधु के शिष्य के रूप में उन्हें भारत को स्वतंत्र बनाने की जिम्मेदारी को लेनी चाहिए। दोस्तों, आज ही के दिन हमारे नेताजी का जन्म हुआ था। वो चाहे वापस आए या नहीं, हमें नहीं पता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो हमेशा हम हिंदुस्तानियों के दिल में रहेंगे जिंदा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हिस्ट्री ऑफ दुनिया में अगर आप नए हो तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।